जय हिंद फ्रेंड। सो हम देखने वाले हैं अभी हिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स के रूप में आपके साथ चल रहा है। अभी आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी का जो जय हिंद बैस नाम से एक कोर्स आया है आपके सामने, वो आपके सामने अभी जो है आ रहा है, उसका लेक्चर आपके आपको मिल रहा है। फिर अभी हम इसी के साथ चाहते हैं कि जियोग्राफी के साथ साथ आपका हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया जाए, जिसमें हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा जो है जो एंशियंट हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो वहीं से और इसलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्योंकि ऐसा लगना चाहिए कि इस हिस्ट्री का जो है कुछ भी आपका छूट नहीं रहा है, तो वहीं से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। ये फाउंडेशन कोर्स इसका नाम इसलिए हम दिए हैं क्योंकि इसमें हर एक बात को कवर किया जाएगा, हर एक बेसिक बात से लेकर आपको जो एडवांस लेवल तक रहता है उस सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास इस वीडियो में किया जाएगा। आप लोग बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आपको बता दें कि हिस्ट्री जो है इसके जनक माने जाते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। और इतिहास जो है इसे तीन भागों में हम बांटते हैं, तीन अलग अलग भागों में हम इसे बांटते हैं। जो सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा जो पार्ट है जिसका नाम है ऐतिहासिक काल, उसी के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इसी कारण से सबसे अधिक समय सीमा के जो जनक माने जाते हैं हेरोडोटस, तो इसी के आधार पर पूरे इतिहास के जनक के रूप में हम लोग हेरोडोटस को जानते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके अलग अलग कौन से पार्ट हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरुआती से। और ये तो इसमें जानते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं, तब जाके हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री को तीन अलग भागों में बांट देते हैं। तो हिस्ट्री जो है, अगर आप परिभाषा के रूप में तो कोई उस तरीके से आपसे पूछते नहीं हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो वही है कि पुरानी चीज़ों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इसे हम तीन अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ते हैं। इसका पहला जो भाग है उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। यह है प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। और लास्ट बट नॉट लीस्ट तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। इस तीन अलग अलग भागों में हम इसको बांटते हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसे हम किस तरीके से, इसके बारे में जानकारी क्या हमारे पास कोई है? बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में जो जानकारी है वो लिखित रूप में कोई भी जानकारी प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमारे पास नहीं है। तो एक ऐसा काल जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है उसे ही प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य आज तक हमारे सामने उपलब्ध नहीं हुए हैं। फिर आते हैं दूसरे भाग की ओर। तो दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन ये ऐसे लिखित साक्ष्य हैं कि हमारे पास उपलब्ध हैं लेकिन आज तक इनको पढ़ा नहीं गया है। लिखित साक्ष्य हमारे पास हैं आद्य ऐतिहासिक काल के, लेकिन इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। ऐसा लिख कर ये लोग गए हैं, ऐसी लिपि में लिखे हैं कि जिसका अध्ययन आज तक हम लोग कर नहीं पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज तक हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, केवल उसका एक अनुमान ही हम लोग लगा के उसके बारे में हम लोग अपनी अपने बातों को रखते हैं कि हाँ किस तरीके की सभ्यता थी। फिर है ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य है भी और इस साक्ष्य के साथ साथ इसे पढ़ा भी गया है। जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सका है, इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐसा काल जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। और एक ऐसा काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य हैं लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया है उसे आद्य ऐतिहासिक काल। और एक ऐसा काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य हैं भी और पढ़ा भी गया है उसे ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले
इस पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे एक ही दिन में यानी कि आज ही हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन आपका इसमें लगेगा, बाकी इसमें 3 से 4 महीने तक जो भी पढ़ना रहता है इसी पार्ट में हम लोग पढ़ते रहते हैं, जिसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट को देख लेते हैं जो आज ही हम इसे समाप्त कर देंगे, फिर अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की ओर। ये जो पहला पार्ट है इसके बारे में आज तक कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, इसीलिए केवल अनुमान लगाया जाता है। और इतिहास जब भी कोई पढ़ाता है या फिर हम ही लोग अगर किताब में देखते या किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो इसमें कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि ये माना गया है, यानी कि ऐसा मानना है, केवल जो है अनुमान लगाया जाता है। इसका कारण क्या है कि इसके कई सारी ऐसी लिपियां हैं जिनके बारे में आज तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है, क्योंकि उस लिपि को कोई पढ़ नहीं सकता है। तो पहले हम देखते हैं इस प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। इस प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा प्रयोग पत्थर का होता था, यानी कि स्टोन का प्रयोग इसमें सबसे ज्यादा होता था, इसीलिए इसे स्टोन एज या पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग पाषाण काल कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग पत्थर का किया जाता था, इसी कारण से इसे हम पाषाण काल कहते हैं। इस पाषाण काल को अलग अलग 4 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्यों इसे कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना, इसीलिए इसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है यानी कि मध्य में रखा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल। और तीसरे नंबर पे जो एक नए युग के रूप में थोड़ा सा दिखाई देता है, इसमें कुछ नई नई चीजों की खोज होती है, इसी कारण से इसे हम नवपाषाण काल कहते हैं। तो ये नवपाषाण काल है और इन सभी, ये जो 3 है, इन सभी के बाद जो 4th भाग हम बता रहे हो, केवल ये पाषाण काल के बाद का काल माना जाता है, लेकिन भाग इसी का माना जाता है। इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं, उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। इसके 2 नाम हैं, इसे ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है और उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा तांबा धातु का प्रयोग किया जाता था, इसी कारण से इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। और इसी काल को उत्तर पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाषाण काल के बाद का काल है, इसलिए इसे उत्तर पाषाण काल कहते हैं। उत्तर इसलिए, जैसे आप देखेंगे जब वैदिक काल हम लोग अध्ययन करेंगे वैदिक काल का, तो उसमें वैदिक काल को देखेंगे तो उसको भी 2 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक रहता है ऋग वैदिक काल, एक रहता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जिसमें वेदों की रचना होती है, वेदों के बारे में अध्ययन किया जाता है, और उत्तर वैदिक काल का मतलब जो वेद के बाद अध्ययन करते हैं जिसका, उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी उत्तर पाषाण काल के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए पूरा पाषाण काल के बारे में क्या क्या जानकारी हमें जरूरी है जिसे याद रखना चाहिए। तो पहली बात इसमें क्या है कि यहाँ जो मानव रहते थे वो आदि मानव थे। इस समय के मानव आदि मानव थे और इस समय के जितने भी लोग थे वे जो है केवल अपना भोजन इकट्ठा करते थे, यानी कि केवल जो है पेट भरने के लिए कार्य करते थे, इसलिए इन्हें खाना बदोष भी कहा जाता था। इस समय के मानों को खाना बदोष कहा जाता था तथा इन्हें जो है खाद्य संग्राहक भी कहते थे, खाद्य संग्राहक। क्योंकि ये भोजन केवल इकट्ठा करते थे इसी कारण से इन्हें खाद्य संग्राहक भी कहते थे। और इन्हीं को आखेटक भी कहा जाता था क्योंकि जो है लोग शिकार अत्यधिक करते थे, इसी कारण से इनके समय में इनको आखेटक भी कहा जाता था। और इनके जीवन की केवल एक ही सबसे बड़ी क्रांति थी जो पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा जो है याद रखने वाला प्रश्न होता है, वो है कि इस समय में आग की खोज की गई थी। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई, जो एक क्रांति के रूप में जानी जाती है कि सबसे पहले मानव ने आग की खोज किस युग में किया था, किस काल में किया था, तो पूरा पाषाण काल में।
फिर दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसमें जो मानव के द्वारा पत्थर के औजार बनाए जाते थे वो पूरा पाषाण काल में बड़े औजार बनाए जाते थे, लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण काल आया तो वे औजार छोटे बनाए जाने लगे। तो औजार जो छोटे बनते थे वो किस काल में, तो मध्य पाषाण काल में। और एक जो है होता है कि हम लोग जानते हैं मानव के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कारों में जो सबसे अंतिम संस्कार 16वां संस्कार है, इसे अंतिम संस्कार या अंत्योष्टि कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इसका भी प्रचलन मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था, यानी कि इसमें क्या किया जाता था कि लोगों को दफनाने का कार्यक्रम जो शुरू हुआ वो मध्य पाषाण काल से ही, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ जो है एक जो बुर्जहूम नाम का स्थान है जम्मू कश्मीर में, वहाँ मानव के साथ जानवर को भी दफनाया गया था, इसका भी साक्ष्य मिलता है, जो वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपको याद रखना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं तो नव पाषाण काल के बारे में, और नव पाषाण काल के बारे में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो पाषाण काल में सबसे मुख्य घटना के रूप में जानी जाती है। पहला है इसमें कृषि, और कृषि की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो खेती के साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है मेहरगढ़, और ये मेहरगढ़ नामक स्थान सुलेमान और किरथक दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, और यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व यानी 7000 ईस्वी पहले, यानी कि ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह का जो जन्म होता है, इसको थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है तो उनके जन्म के बाद का जो समय है उसे हम लोग जानते हैं ईस्वी के नाम से, और जो इनके पहले का समय था उसे हम जानते हैं ईसा पूर्व के नाम से। तो यही दो तरीके से जो है इसे हम लोग ऐतिहासिक घटना का जो समय रहता है उसको लिखते हैं। तो ये ईसा पूर्व की बात है, यानी अगर आज से देखा जाए तो करीब जो है 9500 ईसा पूर्व, यानी कि ईस्वी अगर हम लोग साल जोड़ेंगे तो 9500 साल पहले की बात हो रही है, और इस तरीके से याद रखना है तो 7000 ईसा पूर्व की घटना है। यहाँ पे सबसे पहले जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जौ और गेहूं के साक्ष्य सबसे पहले पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिले हैं, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। इसी के साथ साथ एक चीज और आपको याद रखना है कि 6000 ईसा पूर्व, ये 7000 ईसा पूर्व की घटना है, और 6000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कोलडीहवा में स्थान का नाम है, और यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले। उत्तर प्रदेश के कोलडीहवा में 6000 ईसा पूर्व सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो नव पाषाण काल में ये जानकारी यहाँ पे दी गई है, यानी नव पाषाण काल में सबसे पहले कृषि के बारे में, और कृषि कहाँ सबसे पहले हुई थी तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। 7000 ईसा पूर्व एक खेती वहाँ पे शुरू की गई थी, सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी उस फसल का नाम था जौ, और उसी के साथ गेहूँ, यानी जौ और गेहूँ ये दो फसलों का वहाँ पे सबसे पहले जो यानी कि उनकी खेती करना शुरू किया गया था। अब हम लोग देखते हैं इसमें दूसरी घटना क्या थी नव पाषाण काल में। तो खेती के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मानव अब जब खेती कर रहा है तो उसे अस्थाई निवास की भी जरूरत पड़ेगी, तो मानव इसी काल में यानी नव पाषाण काल में ही सबसे पहले मानव ने अस्थाई निवास बनाना शुरू किया था। तो नव पाषाण काल की ही ये घटना है, इसमें देखना है कि अस्थाई निवास भी इसी में मानव ने शुरू किया था अस्थाई निवास, और अस्थाई निवास के साथ साथ सबसे पहले पशुपालन भी यहीं से शुरू हुआ। तो पशुपालन में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा पशु था जिसका सबसे पहले जो है मानव ने पालन करना शुरू किया, यानी कि उसको जो है पालतू जानवर बनाया, तो कौन सा था, तो इसे जो है डॉग था, यानी कि कुत्ता जो है इसे सबसे पहले मानव ने पालतू जानवर बनाया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर
अस्थाई निवास, और साथ साथ में हम देखें कृषि, कृषि के साथ है पशुपालन में यानी कौन सा जानवर था। फिर हम देखते हैं तो इसी में पहिए का निर्माण भी किया गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो साधन बनाए जाते थे तो उसके लिए पहिए का निर्माण, साथ साथ अनाज को रखने के लिए या फिर अन्य चीजों को रखने के लिए मनके का प्रयोग भी किया गया। तो नवपाषाण काल में ये सभी बातों को आपको याद रखना है कि मनके की खोज सबसे पहले किस काल में हुई, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, और कृषि सबसे पहले किस काल में की गई। तो इस चीज को आप याद रखना है सभी कहाँ हुए हैं, नवपाषाण काल में। अब इसमें सबसे आखिरी जो है ताम्रपाषाण काल, तो ताम्रपाषाण काल में अगर हम लोग देखते हैं तो ताम्रपाषाण काल में जानते हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे तांबा धातु का प्रयोग किया जाता था। केवल यही बात इसमें जो है याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है केवल तांबा धातु का प्रयोग किस काल में किया जाता था, तो ताम्रपाषाण काल में। बाकी इस काल के बारे में कोई विशेष जानकारी आपको याद नहीं रखना है। जो आपको PDF इस क्लास का मिलेगा उसमें वन लाइनर फैक्ट और जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो वो चीज़ आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी क्लास में जो है आप लोगों को इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो बाकी हम लोग कल जो देखेंगे वो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। अभी ये छोटा सा एक पार्ट था जिसे प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते थे। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जितनी सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।